चैनल कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम चिकन बिरयानी बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार, टेस्टी, चटपटी, चटकारेदार। और इससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें, सही होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोग तक बआसानी पहुँच जाएगी। चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमने जो है मैंने हाफ केजी जो है चावल लिए हैं, इसको हम अभी भिगोएंगे। ये हमने दो आलू लिए हैं बड़े, इसको हमने कटिंग कर लिया है। ये हमने 1.5 kg जो है चिकन लिया है। ये हमने मसाले लिए हैं, ये 2 स्पून लाल मिर्च है, ये 1 स्पून हल्दी है, ये 2 स्पून पिसा हुआ धनिया है, ये 2 स्पून नमक है, ये टमाटर हैं, ये 2 अदर टमाटर हैं, इसको हमने इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। ये हम इसको जो है ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। ये हमने 3 बड़े प्याज लिए थे, इसको हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। ये हमने 1 कप जो है वो दही ली है। ये हमने 1/2 स्पून जो है जर्दे का रंग लिया है। ये गरम मसाला है, ये कुछ जो है ये काली मिर्च के हैं, और ये जो लौंग्स हैं कुछ लौंग्स हैं, ये एक इलायची है, इसको हमने खोल लिया है। ये दालचीनी के कुछ अदर दालचीनी है, ये 2 स्पून के करीब जो है ये ज़ीरा है, ये हरा धनिया है, कुछ पत्ते हरा धनिए के हैं ये, और ये कुछ पत्ते जो हैं वो पुदीने के हैं। ये 8 अदद जो हैं हरी मिर्च हैं, ये 2 अदद टमाटर है, इसको हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। ये तेल है और केवड़ा पानी। चले हमने स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये हमने आलू लिए थे, इसमें जो है हम हल्दी और नमक डाल के जो है इसको आलू को जो है हम अलग से बॉईल कर लेते हैं। मैं इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। सबसे पहले मैंने जो है वो चावल धो के भिगो दिए, इसको हम 1 घंटे के लिए भीगे रहने देंगे। 1 घंटे बाद इसको हम बॉयल करेंगे। अब हम जो हैं वो मसाला तैयार करते हैं बिरयानी का। मैंने जो है वो फ्लेम ऑन करके देची रख दी थी, अब मैं इसके अंदर तेल डालूंगी। मैं यहाँ पे 1 कप तेल डालूंगी अभी। इसके अंदर जो है मैं कुछ प्याज डालूंगी, थोड़े से बंगार के लिए, मैं बंगार करके इसको निकाल लूँगी थोड़े से प्याज। ये हम प्याज जो है ब्राउन कर रहे हैं थोड़े से, ये हम बाद में यूज़ करने के लिए इसको ब्राउन कर रहे हैं। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे हम, इसको ब्राउन करके इसको जो है हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें हमारे प्याज जो हैं ये ब्राउन हो गए, इनको जो है हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये हमें बाद में यूज़ करने। मैंने सारे प्याज निकाल लिए। अब उसी तेल में जो है मैं ये जीरा डाल दूंगी। मैं जो बाकी के प्याज थे प्याज डाल दूंगी। हम जो है थोड़ा से ब्राउन होने देंगे,
साथ साथ जो गरम मसाला लिया था हमने वो भी डाल देंगे। इसको जो है हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। अब हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो गए, देखें इसको हमने थोड़े लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क मत करिएगा। अब इसके साथ जो है हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने 3 स्पून लिया है वो डाल देंगे इसके अंदर। साथ साथ हम टमाटर डाल देंगे इसके। इसके साथ साथ जो हमने सारे मसाले लिए थे ये डाल देंगे। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखें थोड़ा और पानी डालेंगे इसको मसाला बनाने के लिए। इसको जो है हम 10 मिनट तक जो है इसको पकाएंगे, भुनेंगे इसको, ताकि इसके जो टमाटर हैं ये सब जो है मसाला बन जाए, इसका मिक्स हो जाए सारे मसाले। ये हमारा जो है मसाला आधा भुन चुका है, ये देखिए इसकी रोगन भी आ गई है बाहर। अब मैं जो हूँ वो आलू बुखारू की जगह ये डाल रही हूँ यहाँ पे इमली के कुछ, ये देखें ये इमली डाल रही हूँ मैं आलू बुखारी की जगह, और साथ साथ जो है वो 1 स्पून दही डाल रही हूँ चटपटी करने के लिए। इसको डाल के हम थोड़ा सा इसको घुमाएंगे, और साथ साथ जो है हम चिकन भी डाल देंगे इसके। मैं चिकन डाल दिए, अब मैं इसको भूनूंगी चिकन डाल के। कितनी ज़बरदस्त शक्ल आ रही है इसकी, तो खाने में कितनी मज़ेदार होगी, और बड़ी खुशबू आ रही है मसाले की, भुन रहा है इसके अंदर। मैं इसको 5 मिनट तक भूनूंगी इसको। ये मेरा मसाला जो है वो भुन गया, चिकन डाल के मैंने इसके अंदर भून ली मसाले के अंदर। अब मैं इसके अंदर जो है वो इसको गलने के लिए 2 कप जो है वो पानी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें जो है हमें तह लगानी है मसाले चावल में, पर इसके गल इतना पानी डालेंगे ताकि बस चिकन जो है हमारी अच्छे से गल जाए। देखें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी इसके अंदर। ये देखें इसके अंदर जो है मैं इसको 10 मिनट्स के लिए जो है वो पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि हमारी चिकन जो है वो गल जाए। ये हमारा बिरयानी का कोरमा रेडी हो गया है, चिकन भी गल गई है, और ये देखें पानी भी खुशक हो गया है, ये कोरमा रेडी है। इसके अंदर जो है मैं फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूंगी। ये हमारे आलू उबल गए थे जो मैंने इसके अंदर जो है हल्दी नमक और मिर्च डाल के इसको बॉईल कर लिए थे, तो मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। इसको हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया, मैं इसके अंदर मिक्स कर दिया, मुझे इस तरह से अच्छा लगता है, मुझे इजी रहता है, इसलिए जो है वो आलू जो है वो मैं अलग से ही बॉईल करती हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। अब मैं इसकी जो है वो तह लगाऊंगी चावल के अंदर। से पहले मैं चावल बॉईल करूंगी जो मैंने भिगो दिए थे 1 घंटा पहले। मैंने देची रख दी है ये बड़ी देची,
इसके अंदर हम जो हैं वो बिरयानी की तह लगाएंगे। मसाला और चावल जो हैं वो दोनों रेडी हैं, मैं तह लगा रही हूँ। सबसे पहले हम देची रख के तवे के ऊपर दम पे हम इसको जो है हल्का सा तेल डाल लेंगे, हला लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से जो है हम पूरे पे इसको फैला लेंगे तह लगाने से पहले। इसके बाद हम जो है अपने चावल डालेंगे। इसको पूरे पे फैला लीजिएगा डाल के। इस तरह से साइडों में भी पूरे आ जाएं, इसके देखें किनारों पे पूरा इसको बराबर बराबर से कर लीजिएगा इस तरह से। ये हमने जो है वो एक तह लगा दी है चावल की। इसके बाद जो है हम मसाले की लगाएंगे, मसाला डालेंगे तो हमने तैयार किया। हम जो है वो मसाला डालेंगे, देखिए इस तरह से। इसके बाद जो है ये प्याज डालेंगे जो हमने बंगाल लिए थे। इसके साथ साथ हम ये पुदीना डालेंगे, ये हरा धनिया डालेंगे, ये हरी मिर्ची डालेंगे। इसके बाद हम ये टमाटर डालेंगे। इसके बाद ये मैं दही, इसके बाद मैं ये दही और जो है ये जर्दे का रंग और केवड़ा इनको सबको मिक्स कर लूँगी। मैंने जो है वो तीनों चीज़ें ऐड कर दी थी, केवड़ा, जर्दे का रंग और दही। अब हम इसको गेम करके लगा देंगे इसके ऊपर। देखें इस तरह से लगा दिए हैं मैंने इसको। अब हम जो है इसके बाद जो है वो दूसरी तह लगाएंगे।
ये मेरी सारी तहें लग चुकी हैं। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। ये हमारी बिरयानी जो है दम पर आ चुकी है, बहुत खुशबू आ रही है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। मेरी ये बिरयानी की रेसिपी रेडी है, बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज चटपटी बनी है। आप लोग भी ट्राई करें और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजा दें। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।